रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों यानी 18% इलाकों का ऑफिशियल विलय कर लिया है, लेकिन चैलेंज अब भी बाकी है। कई चुनौतियां हैं। यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं, जिससे यूक्रेनियन आर्मी ने हमले और तेज कर दिए हैं। और इन चारों इलाकों में यूक्रेन के लड़ाके और ऑफेंसिव हो गए हैं। खेरसोन से तो रशियन आर्मी के सरेंडर की हैरान कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर डिटेल भी बताएंगे। साथ ही यूरोप और नाटो देशों को रूस के न्यूक्लियर अटैक का डर क्यों सता रहा है। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने अमेरिकी प्रेसिडेंट से बात की है और न्यूक्लियर वेपन साझा करने की मांग भी की गई है, ताकि रूस के संभावित खतरे को टाला जा सके। और इसके अलावा रूस ने स्पेस वॉर की तैयारी कर ली है। क्या है इन बड़ी खबरों की डिटेल बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर जो पूरी दुनिया में रूस की किरकिरी करा रही है। बिल्कुल, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूक्रेन का अटैक भयंकर होता जा रहा है। रूसी सैनिकों को सरेंडर करने की नौबत आ रही है। ग्राउंड जीरो से प्रमाण मिल रहे हैं इस चीज के कि लगभग स्पेस वॉर जैसी स्थिति हो रही है। खेरसोन में रूसी सैनिकों का कैमरे पर सरेंडर, तस्वीरें सामने आ रही है जहां रूसी सैनिकों ने खेरसोन में घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि खेरसोन से खदेड़ने की कोशिशें लगातार की जा रही है रशियन सेना को। यूक्रेन आर्मी ने बैटलफील्ड में रशियन सोल्जर्स को दबोचा है। टैंक पर सफेद झंडा लगाकर जा रहे थे रूसी सैनिक, गिर जाने के बाद रूसी सैनिकों ने सफेद झंडा दिखाया, मतलब सरेंडर करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। तस्वीरें भी सामने आई है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 4 हिस्से यूक्रेन के ऐसे हैं जहां पर रेफरेंडम कराकर रशिया ने उनका ऑफिशियल विलय करने की बात की, लेकिन यूक्रेन उन इलाकों को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आता। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे पहले रशियन आर्मी का टैंक सफेद झंडा, जो शांति का प्रतीक होता है, युद्ध भूमि में अगर कोई सैनिक सफेद झंडा दिखा देता है तो उस पर दुश्मन गोली नहीं चलाता है, ये नियम है। घिर जाने के बाद रूसी सैनिकों ने ऐसा ही किया। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जैसे ही यूक्रेन आर्मी ने टैंक को घेरा तो रशियन सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया और घुटनों के बल आ गए। तो ये 2 तस्वीरें बता रही है इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है, किस तरह सैनिक घेरेबंदी कर रहे हैं, सक्रियता बढ़ा रहे हैं। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि झंडा दिखाया गया है, तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे घुटने टेके गए हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त के ताजा हालात की बानगी बताने के लिए काफी हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अहम तस्वीरें हैं जो जंग के मैदान से सामने आई हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SVP सिंह साहब मेरी बाई ओर मौजूद हैं, इसके अलावा कर्नल MK सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मेरी दाहिनी ओर मौजूद हैं। जनरल साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे, ये जो जंग के मैदान से तस्वीरें हमारे सामने हैं, रूसी सैनिक जिस तरह से आत्मसमर्पण करते हुए, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, किसने सोचा था कि 7 महीने जंग चलने के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी और रूसी सैनिक इस तरह से ढेर होंगे? सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको? समीर, सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन और स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत बड़ी कमियां रह गई हैं। शूज ऊपर से पुटिन से लेके उनकी जनरलशिप में स्ट्रैटेजी, उसको मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम होता है एक वॉर का प्रिंसिपल, जब उन्होंने लड़ाई शुरू की उसका मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम उन्होंने मोमेंटम अपनाया नहीं, उन्होंने अपना एयर पावर बिल्कुल कम इस्तेमाल किया। उनके जो टैंक्स थे उनको वॉरफेयर का, मॉडर्न वॉरफेयर का टेक्निक टैक्टिक्स को इस्तेमाल नहीं किया, एक कॉन्वॉय में आए, बर्बादी हुई, इसलिए कीव से विड्रॉ किया। उसके बाद जो इनकी जीत हुई खार्किव में, मारियोपोल में और खेरसोन में, उसको इन्होंने फर्म डिफेंस लाइन अपनाई नहीं। नहीं सर, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमें दिखा रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दरअसल जो कैरेक्टरिस्टिक निकल कर सामने आता है रशियन फौज का, रशियन सैनिकों का, जैसे ही यूक्रेनियन आर्मी ने घेरा तुरंत सरेंडर, मतलब लड़ने की कोशिश तक नहीं, ये क्या बता रहा है? उस पॉइंट में मैं आ रहा था अगला, कि सबसे पहले एक लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम उनका बहुत कमजोर रहा है, और दूसरा है मनोबल, मोरल, विल टू फाइट।
और कमांडर्स की डिटर्मिनेशन कि अपने ट्रुप्स को रैली करें, ये बहुत बड़ी कमियां रह गई हैं। देखो जितनी भी लड़ाई में आपके पास मॉडर्न हथियार आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन जिसने ऑपरेट करना है। और ये भी तो सर देखना है कि पहली बार नहीं हुआ कि रूस के सैनिकों की स्थिति ये हुई है। ग्राउंड पर यूक्रेन के पलटवार के बाद से ही ये एक सिचुएशन जरूर है रूस के सामने कि ये जो तस्वीरें हैं इनको वो कैसे डिनाई करेगा पुतिन के सामने, ये एक सिचुएशन है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।